आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल थिंक इज हिमांशु में। और मैं आपको अभी बताने वाला हूँ एसएससी जेई जो पेपर हुआ है 2019 का, उसके पेपर वन के कट ऑफ के बारे में और क्या कट ऑफ रहने वाली है, पिछले ईयर क्या कट ऑफ थी, पिछले साल जो कट ऑफ थी 2017 में उससे कंपैरिजन करूँगा 2017 में, और 2018-19 की जो ये वैकेंसी है जिसमें 1600 पदों के लिए 1601 पद हैं एक्चुअली टोटल, मतलब 1601 वैकेंसी है। उसमें से मैं आपको बताऊंगा कि तकरीबन जो वैकेंसी है 1297 वो तो अपने सिविल जूनियर इंजीनियर की है, उसके अलावा 45 के आसपास जो है अपना इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का है, और उसके अलावा बची हुई जो वैकेंसीज हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट एंड सर्वेइंग की। तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है वो 1600 हैं। तो उसमें से मैं आपको बता देता हूँ एसएससी जेई का अपना जो दोनों ब्रांचेस के बारे में, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और सिविल, इन तीनों की कंबाइंड जो अपना अलग अलग कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, और उन दोनों के एक साथ मतलब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का जो है कट ऑफ क्या होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था और अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। जो एग्ज़ाम हुए थे ये हुए थे 23 सितंबर से 27 सितंबर के बीच में, और पेपर का जो डोमेन था मैं आपको बता चुका हूँ वो सिविल स्ट्रक्चर, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हुआ था। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ वो था कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन था, और उसमें जो मार्क्स थे मैक्सिमम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 नंबर थे, जनरल अवेयरनेस के 50 नंबर थे, और उसके अलावा हमारे पास जनरल इंजीनियरिंग, सिविल स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पार्ट ए में 100 नंबर और पार्ट बी इलेक्ट्रिकल के लिए और पार्ट सी मैकेनिकल, तो सबके लिए रेस्पेक्टिवली 200 नंबर का पेपर था और 2 घंटे हमारे पास टाइम था। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जो मिनिमम परसेंटेज, मिनिमम एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं आपको इसके प्री का सिलेक्शन में लिए, जो ये मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली जो ये मार्क्स, इनमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, प्लस माइनस 5 का टॉलरेंस आप देख सकते हैं, पर फिर भी ये काफ़ी क्लोज जो है अजम्पशन है। जहाँ तक आप और भी वीडियोज़ अगर आपने देखी हैं, जो भी एनालिसिस निकल के आए हैं वो सब इसी के आसपास निकल गए हैं, क्योंकि पिछले साल के ट्रेंड्स अगर आप देखते हैं, पिछले साल जो वैकेंसी थी उसके भी हिसाब से मैं आपको कट ऑफ अभी बताने वाला हूँ कि कौन से स्टूडेंट सेकेंड राउंड के लिए सेलेक्ट हुए थे, कौन से स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट हुए थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल की जो हमारे पास कट ऑफ है ये सामने, ये एक्चुअली इस तरीके से निकल के आ रही है कि 115 टू 125 का जो कट ऑफ है वो बिल्कुल सही रहेगी। स्टूडेंट जिन्होंने इसके बीच में स्कोर किया है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ साइड है। ओबीसी में भी सिमिलरली जिन्हें स्टूडेंट ने यहाँ 110 से 120 के बीच में स्कोर किया है वो बिल्कुल सेफ रहेंगे, और एससी के स्टूडेंट्स 105 से 115 के बीच में, एक्चुअली 110 और 105 मतलब ये 100 से ऊपर होने वाला है एससी का जो कट ऑफ है, और एसटी की कट ऑफ 95 टू 110 तक हो सकती है, 115 तक। तो इस हिसाब से आप टॉलरेंस देख के चले। उसके अलावा मैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो यहाँ पर जो कट ऑफ है आप देख सकते हैं, कंबाइंडली जो मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा देखना, कि यहाँ पर जो है 130 टू 140 रहेगा अपना जनरल का कट ऑफ, कहीं ओबीसी की कट ऑफ रहने वाली है 125 टू 135, वहीं एसटी की कट ऑफ हमारे पास है यहाँ पर 115 टू 125 एंड एसटी की 105 टू 115। तो 105 से 115 मतलब लगभग वही है कि चाहे आप सिविल से हैं चाहे मैकेनिकल से हैं, तो जो कट ऑफ है वो 100 के आसपास रहने वाली है, 100 या 100 से ऊपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। इसके अलावा आपको मैं थोड़ा और कुछ बताने वाला हूँ पिछले साल के जो मार्क्स से रिलेटेड, तो उसमें है यहाँ पर ये ना हमारे पास, तो ये जेई का कट ऑफ पेपर वन का 2017 के, उसके ये कट ऑफ मार्क्स हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से ये जो मार्क्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। सिविल के जहाँ 200 में से यहाँ पर 117 मार्क्स थे जो वो ये रहे जनरल के लिए, ठीक है 200 में से। उसके अलावा हमारे पास ओबीसी के 110.75, एससी का 101.75, एसटी का 105 वो, और हैंडीकैम वगैरह के थे 91 एंड 61.75। तो ये देख सकते हैं, पर एक्चुअली आप अगर कंपेयर कर रहे हैं पिछले साल के रिजल्ट के हिसाब से और पिछले साल जो वैकेंसी थी उसके हिसाब से जो कट ऑफ है ये काफ़ी हाई थी, क्योंकि वैकेंसी उस टाइम कम थी और अभी जो वैकेंसी बढ़ी है, तो आप समझ सकते हैं ये जो कट ऑफ है इससे कम आपका कट ऑफ जाने वाला है इस बार, जहाँ तक पूरे चांसेस हैं। तो 100 के आसपास जिन बच्चों ने 100 से 115 के बीच में जिन्होंने स्कोर किया उनके अच्छे चांसेस हैं, और 115 से ऊपर जो स्कोर कर रहे हैं स्टूडेंट, मैं कहूँगा 115 120 वाले के बाद जो भी स्टूडेंट स्कोर कर रहा है 200 तक,
वो स्टूडेंट बिल्कुल सेफ साइड है, चाहे वो जनरल का हो, चाहे वो एसटी का हो, चाहे एससी का हो, किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, अगर आपके 115 से 120 नंबर से 120 मार्क्स से ऊपर हैं तो आप बिल्कुल सेफ साइड हैं। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो पिछले साल भी वैकेंसी एक्चुअली कहाँ पर कम होती है, जैसे इस बार भी वैकेंसी 45-46 वैकेंसी है टोटली, और पिछली बार भी काफ़ी कम वैकेंसी थी। तो इससे देखना होगा कि पिछली बार की जो कट ऑफ रही यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और सिविल की, वो यहाँ पर अपन देख सकते हैं 136.25 फॉर द जनरल कैटेगरी, 135.25 यहाँ पर है अपने पास ओबीसी का, 120 है एससी का, एसटी की 114.50, ओएच की 113। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इस बार थोड़ा सा डिक्रीमेंट हो सकता है, पर यहाँ पर आप क्लोज रखें, क्योंकि पेपर एक्चुअली ऐसा हुआ था कि पेपर जेई का जहाँ तक मैंने पूछा है फर्स्ट टायर, वो पिछले साल से काफ़ी आसान रहा, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि उनका पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है। तो कट ऑफ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, पर कट ऑफ कहीं 100 जैसे 136 पे, तो यहाँ पर इस बार 130, 132, 133 इतना हो सकता है कट ऑफ। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि आप उसी हिसाब से प्रिपेयर करें अपना जो टायर टू के लिए, कि अगर आप सेफ साइड हैं तो आप देख लें, कट ऑफ को देखें, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा ये देखना कि वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पर मैं पेपर वन और पेपर टू की साथ में कट ऑफ बताने वाला हूँ 500 मार्क्स में। पिछली बार की वो है 244.75 जनरल के लिए सिविल ब्रांच से, 244.75 ओबीसी के लिए सिविल ब्रांच से, एससी के लिए 220.75, एसटी के लिए 228, और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करें पिछले साल की 500 में से ये नंबर मैं बता रहा हूँ आपको, जनरल के 303, ओबीसी के यहाँ पर 300 नंबर हैं, 299 एक्चुअली, एससी के 268 नंबर हैं, और एसटी के 265.50। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप इनको देखें और इस हिसाब से प्रिपेयर करें। उसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं और कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी जेई पेपर टू के बारे में। पेपर टू जो होगा अपना ऑफलाइन मोड में होगा, 300 मार्क्स का यहाँ पर पेपर होगा, 2 आवर्स आपको कैंडिडेट को टाइम मिलेगा, और उसके अलावा ये सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, डिस्क्रिप्टिव मैनर में कॉपी चेक होती है, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आपको लिखने होंगे, और आंसर जो लिखने हैं आपको बहुत प्रिसाइज लिखने होंगे, और उसके अलावा 5 बड़े क्वेश्चन होंगे जिनके सब पार्ट्स होंगे, तो आपको उनको भी अटेम्प्ट करना होगा। चॉइसेस आपके पास काफ़ी रहती हैं यहाँ पर, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और टोटली जो मार्क्स मिलेंगे वो आपके राइटिंग स्किल्स के ऊपर बेस्ड होंगे, किस हिसाब से आप सब्जेक्टिव आंसर को अटेम्प्ट करते हैं। और उसके अलावा पेपर का जो कोड है वही पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी सेम है, जैसा कि प्री में था। ए पार्ट जो होगा वो सिविल और स्ट्रक्चर के लिए होगा, बी पार्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल के लिए, और सी पार्ट होएगा मैकेनिकल के लिए। तो इस हिसाब से अगर आप सिलेबस अगर आपको देखना है तो सिलेबस के लिए मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपके डाल दूंगा जो भी सिलेबस के बारे में इंपॉर्टेंट होगा, तो वहाँ पर आपको अगली वीडियो में बताता हूँ सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर हम अपना वीडियो क्लोज़ करते हैं, और प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों से भी इसको लाइक करने के लिए बोलिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो CBT 2 के बारे में ये बताएगा। यहाँ पर आ गया है सिलेबस हमारे पास, तो आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं, ये देखिए सिलेबस यहाँ पर है हमारे पास, ये रहा ऑफलाइन मोड में होगा, ये सिविल सिलेबस है के बारे में मैं आपको बता रहा था, सिविल इंजीनियरिंग का ये सिलेबस है हमारे पास, बिल्डिंग मटेरियल एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन सर्वेइंग सॉइल मैकेनिक्स हाइड्रोलिक्स इरिगेशन इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन एनवायरमेंटल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर कंक्रीट टेक्नोलॉजी RCC स्टील डिज़ाइन। यहाँ पर मैं आपको मैकेनिकल का बता देता हूँ, इसके बाद मैकेनिकल का वही सेम जो अपना है, पहले इलेक्ट्रिकल का सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, फ्रैक्शन, किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, सिंक्रोनस मशीन्स, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का थ्योरी ऑफ मैकेनिकल एंड मशीन डिज़ाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, सो दीज आर द मेजर टॉपिक्स। यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स का, यहाँ पर बेसिकली थर्मल इंजीनियरिंग के यहाँ पर आपको टॉपिक बता रखे हैं किसका है, फ्लूड्स का भी यहाँ पर टॉपिक है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का अपना है सारा, और डिज़ाइन है। तो इस तरीके से सारा प्रोडक्शन, थर्मल और डिज़ाइन तीनों ही पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। तो वीडियो को थम्सअप कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को कमेंट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।